पहले उसी से शुरू करूंगी। अगर बेटियों के न्याय के लिए भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है कि अगर बेटियों को न्याय के लिए भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, ये रानी लक्ष्मीबाई का हिंदुस्तान नहीं है। हर कोई हमेशा बेवफाई सुनाता रहता है, मैं नहीं सुनाती कभी इतना बेवफाई। तो मैंने एक उसकी शायरी लिखी है कि बेवफाई की कहानी लिख रहे हैं सभी, चलो एक वफा का किस्सा सुनाते हैं। कि बेवफाई की कहानी लिख रहे हैं सभी, चलो एक वफा का किस्सा सुनाते हैं। हम भूले हैं पूरी दुनिया उनके लिए, हम भूले हैं पूरी दुनिया उनके लिए, और वो भी उतनी ही शिद्दत से वफा निभाते हैं। एक पोइट्री है मेरी, एक पत्नी अपने सरहद में जो एक शहीद हो गया है सैनिक, उसके लिए लिखी है कि वक्त वक्त बेवक्त अब खुद से बात किया करती हूँ, वक्त वक्त बेवक्त अब खुद से बात किया करती हूँ, मैं आज भी तुम्हें बहुत याद किया करती हूँ। तेरी तस्वीर और वो तुझसे लिपटा था जो तिरंगा, रोज मुझे तुम्हारा एहसास दिलाता है। और दरवाज़ा घर का तेरी आस में हवा के झोंके से खुद ही खुल जाता है। ये आंगन भूला नहीं है तुझे, और ये घर का आंगन भूला नहीं है तुझे, और ये चाँद तुम्हारा एहसास दिलाता है। तेरी दी हुई चुनरी ओढ़ मैं अब भी खुद को सजाया करती हूँ, मैं आज भी तुझे बहुत याद किया करती हूँ। तेरी वर्दी को गले लगा माँ आंसू बहाया करती है, तेरी वर्दी को गले लगा माँ आंसू बहाया करती है, मुझे तो संभालती है पर खुद बिखर जाया करती है। कैसे सिखाऊँ मैं खुद को तुम्हारे बिना जीना, कैसे सिखाऊँ मैं खुद को तुम्हारे बिना जीना, ये आँख रो रो कर तुम्हें देखने की जिद लगाया करती है। तेरी आने की उम्मीद में अब भी गलियों को निहारा करती हूँ, मैं आज भी तुझे बहुत याद किया करती हूँ। अब तेरी याद में डायरी में पन्नों को तारा करती हूँ, तेरी पसंद की पायल की आवाज़ पूरे घर में बजाया करती हूँ। तेरे खतों को पढ़ती हूँ मैं और तुम्हें याद किया करती हूँ, वक्त बेवक्त मैं खुद से बात किया करती हूँ, मैं आज भी तुम्हें बहुत याद किया करती हूँ। एक छोटी सी पोइट्री है, काफ़ी पहले लिखी थी, कि दिल में सुकून हो तुम, कि दिल में सुकून हो तुम, गर्मी की रातों में सर्द का एहसास हो तुम, मचलती नदी के ठहरे हुए किनारे हो तुम, गर्म हवाओं के बीच बारिश की बूंद हो तुम, और हमारे दिल में सुकून हो तुम। थकी हुई जिंदगी का जुनून हो तुम, थकी हुई जिंदगी का जुनून हो तुम, और किसी मंदिर के दिए का नूर हो तुम। दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ जैसी है मेरी जिंदगी, दिल्ली के चांदनी चौक के भीड़ जैसी है मेरी जिंदगी, और आगरा के ताजमहल से शांत हो तुम। कानपुर सी तेज चलती हुई जिंदगी का, कानपुर सी तेज चलती हुई जिंदगी का, लखनऊ इमामबाड़े सा ठहराओ हो तुम। एक तर्क वितर्क सी मेरी जिंदगी के, तर्क वितर्क सी मेरी जिंदगी के, कुछ सख्त से उसूल हो तुम, सुनो इस दिल में सुकून हो तुम। एक पोइट्री लिखी थी लड़कों के लिए, वो मैंने कहीं और भी सुनाई हुई है, लेकिन फिर भी ये है कि हमेशा यही बोलते हैं कि बेटी है इज्जत करो, लड़की है इज्जत करो। तो एक लिखी थी कि वो भी बेटा है किसी का तुम इज्जत से बात करो, कि वो भी बेटा है किसी का तुम इज्जत से बात करो, कि मान लिया तुम लड़की हो इज्जत है तुम्हारी, पर उस लड़के को मार कर कौन सी ताकत दिखा दी। हर लड़का एक जैसा नहीं होता ये तो सोचा होता, बिना उसकी बात जाने सेल्फ रिस्पेक्ट ही गिरा दी सारी। सुनो उसकी भी पहचान है तमीज़ से बात करो, सुनो उसकी भी पहचान है तमीज़ से बात करो, और वो भी बेटा है किसी का तुम इज्जत से बात करो। थैंक यू।
तुम सीखो खुद को साबित करना, ना कि दबाना किसी दूसरे की आवाज़ को। तुम सीखो अपनी मंजिल की रास्ता बनाना, ना कि चोट पहचाना किसी के जज्बात को। और तुम सीखो समाज से लड़ना, ना कि तोड़ना किसी लड़के के एहसास को। और तुम जानो अपनी कीमत इस दुनिया में, पर सुनो दूसरे की भी सच्ची बात को। और इंसानियत को संभालो फिर इंसान की तरह बात करो, और इंसानियत को संभालो फिर इंसान की तरह बात करो, और वो भी बेटा है किसी का, तुम इज्जत से बात करो। एक लास्ट शायरी है, उससे ख़त्म करूँगी। ये मैंने अभी कल रात को ही लिखी है कि तुम मेरे साथ मंदिर चलना, मैं तेरा हाथ थाम मज़ार चली आऊँगी। कि तुम मेरे साथ मंदिर चलना, मैं तेरा हाथ थाम मज़ार चली आऊँगी। और ये बेरंगी सोच दुनिया की दुनिया को मुबारक, और ये बेरंगी सोच दुनिया की दुनिया को मुबारक। तुम मुझे अपनी जोधा बना लेना, मैं तुमको अपना कृष्ण बनाऊंगी। थैंक यू।